गुरुवार को क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। लोगों ने उनकी प्रतिमा तथा चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के मीडिया प्रभारी व गुरु कृपा संस्थान के अध्यक्ष ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया और देश को आजाद कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी व गुरु कृपा संस्थान के अध्यक्ष ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेज़ों के चंगुल से माँ भारती को आज़ाद कराया था, ऐसे महान सपूत, चिंतक, शिक्षक, दो क्रांतिकारियों का आज जन्मदिन है। लाल बाल पाल के नाम से मशहूर, जिन्होंने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक, उनका आज जयंती है। और उन्हीं के साथ आज़ादी के आंदोलन में सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी, मात्र 16 वर्ष में 16 बेतों की सज़ा पाने वाले मजिस्ट्रेट से आज चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर उन्होंने जो कहा था, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। मजिस्ट्रेट पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बोलते हैं आज़ाद। तुम्हारा घर कहाँ है? बोलते हैं जेल खाना। तुम्हारे माता का क्या नाम है? बोलते हैं स्वाधीनता। तुम्हारा काम क्या है? मरते दम तक माँ भारती को आज़ाद कराना। ऐसे विचार से जिन्होंने लाखों लाख करोड़ों युवाओं को अपने त्याग और बलिदान से प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, जो प्रेरणा पुरुष के पुंज बने, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद को आज उनके जयंती के अवसर पर हम उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं। आज़ाद चौक स्थित आज़ाद मूर्ति से लेकर संस्थान के कार्यालय तक और अन्य जगहों पर आज़ाद जी के आज जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि आज़ाद ही वो ऐसे शख्स थे जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड के लिए जो उन्होंने आंदोलन लिया था और उसके बाद जो आज़ादी के आंदोलन का जो बिखराव था उसको सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हुए सभी क्रांतिकारियों को एक मंच दिया था और भगत सिंह के साथ मिलकर सैंडर्स की गोली मार कर हत्या करके लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया था। आज़ाद का व्यक्तित्व और कृतित्व, जब तक सूर्य और चाँद रहेगा आज़ाद हमेशा सभी युवाओं के दिल में, सभी हिंदुस्तानियों के दिल में, आज़ादी के आंदोलन के दिल में छाए रहेंगे। और हम उनको इस अवसर पर शिद्दत से नमन करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।